सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। तो मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक पोल डाला था कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, लाइक रूम टूर, हाउस टूर या फिर ऊबर ईट्स वाली। तो काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट था, बट ऊबर ईट्स थोड़े से मार्जिन का जीत गई। तो आज तुम मेरी ड्रेस से टाइटल लगा रहे होगे कि जा रहे हैं ऊबर ईट्स की वीडियो बनाने। तो तुमने ऊबर ईट्स इन मेलबर्न देखा होगा, ऊबर ईट्स इन सिडनी देखा होगा, ठीक है, हर जगह का देखा होगा, बट ऊबर ईट्स इन पर्थ में देखा होगा कि पर्थ में क्या क्या अर्निंग के ट्रेंड्स हैं, कितना तुम कमा सकते हो, हाउ डिफ़िकल्ट और हाउ ईजी इट इज़, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर निकलते हैं अपनी साइकिल पे, क्योंकि आज की जो वीडियो है दैट इज़ टोटली फोकस्ड ऑन ऊबर ईट्स ऑन अ बाइसाइकिल। तो भाई सबसे पहला आइटम तो तुम्हें ये चाहिए, अपना बस्ता, ठीक है। तो जब तुम ऊबर ईट्स के अकाउंट के लिए अपना लॉग इन करोगे, साइनअप करोगे, तो इस बैग को खरीदने का ऑप्शन वहीं पर आता है, $50 का मिलता है, एंड ये तुम्हें मैंडेटरी चाहिए होगा टू इट्स एन इंसुलेटेड बैग, एंड ये हर रेस्टोरेंट तुमसे वेरीफाई करेगा कि तुम्हारे पास बैग है या नहीं बिफोर हैंडिंग ओवर द फूड, ठीक है। फिर अपना फ़ोन ज़रूरी चाहिए जिसमें ऊबर ईट्स का ऐप होगा, और ये कुछ चीज़ों और देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो पावर बैंक, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ज़रूरी है, फुल डेटा पे जब रहते हो तो बैटरी बहुत चुस्ती है। मेरे को अपने नए फ़ोन का आइडिया नहीं है, बट ऑन एवरेज जब मैं पहले भी यूज़ करता था, पावर बैंक इज द मस्ट यू नीड टू कैरी। अगर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जा रहे हो तब तो ठीक है, मेरी तरह अगर 2-3 घंटे जा रहे हो, मैं पावर बैंक कभी भूल भी जाता हूं तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट हाँ अगर आप पूरे दिन के लिए प्लान करो, यू विल डेफिनेटली नीड अ पावर बैंक, ठीक है। ये बोतल चाहिए, पानी की बोतल, ठीक है, प्यास लग सकती है साइकिल चला के, और मेरी पर्सनली बैटरी वाली साइकिल नहीं है, तो भाई ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा प्यास भी लगती है, सो बॉटल इज़ वेरी मैंडेटरी। और हाँ ये मैंने आज पहना है, यूजुअली पहनता नहीं हूँ मैं, दिस फॉर द गोप्रो, क्योंकि जब भी जहाँ जाऊँगा ट्रिप्स पे तो मैं दिखाता रहूँगा कहाँ से पिकअप किया है, कितना अर्निंग हो रही है, ये वो वगैरह वगैरह सब बात की बात है। अब अपना ऊबर का ऐप चालू करते हैं, साइकिल उठाते हैं और सीधा निकलते हैं। तो मैं यूजुअली मंडे को नहीं प्रेफर करता जाना, क्योंकि मंडे को एट दिस टाइम इतना धंधा नहीं होता, लोग इतना ऑर्डर नहीं कर रहे होते। मेरे हिसाब से वीकेंड्स आर द बेस्ट, बट क्योंकि वीकेंड्स पर अपनी अलग शिफ्ट होती है तो टाइम नहीं मिल पाता, प्लस आज मौसम भी सही है, देख सकते हो बादल भी हैं और थोड़ी धूप भी है, एंड मैं जैकेट भी निकला क्योंकि है तो गर्मी, बट रात आते आते काफ़ी ठंड हो जाती है, सो इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो चलते हैं मंडे को, देखते हैं कितना बनता है, कितने घंटे करते हैं, कितना टोटल अमाउंट बनता है, सब दिखाएंगे वीडियो के एंड में। सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं बीच बीच में बकवास भी करता रहूँगा, चलते चलते कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा जैसे जैसे मेरे को याद आती रहेगी। सो इट्स बेटर दैट यू डोंट स्किप, एंड भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना अगर भी नहीं तक किया तो, एंड बस निकलते हैं। तो भाई ये अपना ऊबर का ऐप खुल गया है, ऐसा इंटरफेस आता है बिफोर स्टार्टिंग। तो सबसे पहली जो टिप मैं तुम्हें दूंगा वो देख लो, फाइंड एरियाज विद हाई अर्निंग। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे भी तुम रह रहे हो ना, वहाँ के हर एरिया का ट्रेंड पता लग जाता है कि उस एरिया में आज इस टाइम पे कितनी डिमांड है, कितना तुम कमा सकते हो। सो हम पर्थ सिटी में, पर्थ सिटी पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो घंटे के हिसाब से ट्रेंड आ जाता है कि 4 से 8 बजे देख रहे हो तुम, काफ़ी सही टावर्स हैं तो 4 से 8 बजे अच्छी अर्निंग हो सकती है। देन अगेन मॉर्निंग, क्योंकि 8 से 2 का टाइम होता है, लंच टाइमिंग होता है, तो कल दोपहर को भी काफ़ी सही अर्निंग है, हो सका तो दोबारा निकल जाएंगे, बट अभी का जो टाइम है दिखा दो ट्रेंड अच्छा रहा है। अगर 2 से 2.5 घंटे कर लेते हैं तो आई थिंक वी शुड टच अबाउट $60 to $65, नहीं होता तो कोई बात नहीं, बाद में दिखाएंगे। अब जाते हैं ऑनलाइन। सो गाइज वी आर ऑनलाइन, अब बस ट्रिप्स का वेट करना। देखो फाइंडिंग ट्रिप्स आ गया है लिखा हुआ अपनी स्क्रीन पे, ये लो आ भी गई है ट्रिप। तो इसका इंटरफेस इतना सही है कि पहली बात तो आपको दिखाएगा आपकी लोकेशन क्या है, आपके पिकअप की लोकेशन क्या है, आपके ड्रॉप ऑफ की लोकेशन क्या है और कितने पैसे मिल रहे हैं उसके, एंड आपको ट्रिप अगर एक्सेप्ट करने कुछ नहीं करना, क्लिक कर देना है इस पर, बस ट्रिप हो गई एक्सेप्ट। तो भाई हम अभी ट्रिप पे हैं, बैग पहनते हैं और निकलते हैं, एंड एक्सपीरियंस देखो और पिकअप भी देखेंगे और अल्टीमेटली कितने पैसे मिलते हैं वो भी देखेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस एंड होप यू गाइस लाइक द वीडियो। तो भाई जिस रेस्टोरेंट से अभी हम खाना पिक कर रहे हैं वो है 900 मीटर दूर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 900 मीटर दूर है, तो अभी चला जाए वहाँ पे और वहाँ जाके, एंड गाइस आज हवा बहुत चल रही है तो आवाज़ अगर ना आए तो नहीं देख लेना। भाई मैंने अभी शाम में प्लान क्यों किया था, क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है, मैं और अनिकेत दोनों निकलते हैं 6 से 9 जब भी टाइम होता है, 6 से 9 इन द इवनिंग, तो उसमें यार रात होगी तुम्हें सिटी नहीं दिख पाएगी, तो मैंने सोचा दिन में निकल जाते हैं, कमाई का आइडिया भी लग जाएगा तुम्हें, सिटी भी पूरी देख लोगे, एंड भाई दिन में करने का अपना अलग मज़ा है। बट हाँ जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है
तो भाई 6 to 9 एट इन द इवनिंग या 6 to 10 वो आपका बेस्ट बेट है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है, और ख़ासकर फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। और भाई प्रॉपर नेविगेशन भी आ जाती है ऊबर के ऐप पे, मैं यूज़ नहीं कर रहा भाई, क्योंकि अपने को आइडिया लग गया अब कौन सा रेस्टोरेंट कहाँ पे है। तो भाई जब नए नए आते हो टेंशन मत लेना, प्रॉपर नेविगेशन मिलती है साइकिल वाले रूट से ही, ऐसा नहीं है कि तुम्हें गाड़ी वाले रूट पर डाल देंगे या कुछ दिखा देंगे। और भाई एक चीज़ ये रेड लाइट जंप करने वाले काम कभी भी पुलिस के सामने मत करना, क्योंकि भाई चाहे तुम साइकिल पे ही हो या चल पैदल भी हो, अगर तुम रेड लाइट ब्रेक कर रहे हो यू आर ऑफिशियली कमिटिंग अ क्राइम। $200 का फाइन चढ़ा देंगे, किसी को फ़ायदा नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि टेक योर ओन प्रिकॉशन विद इट। अपने को जाना है यहाँ से राइट। ये तो भाई अपना हे स्ट्रीट शॉपिंग मॉल है, तुम्हें कई दफ़े दिखा भी रखा है। खाना अभी तुम्हें जो जिस जगह से पिकअप है वो एक मॉल है प्रॉपर, और मॉल के अंदर ही एक प्रॉपर रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, सिर्फ मतलब मॉल खोल रखा है सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए। अभी देखने में राइट लूँगा यहाँ से, एंड सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही है वहाँ पे। ये ग्रीन बोर्ड देख रहे हो, इस ग्रीन बोर्ड से लेना अपने को राइट, एंड मैक्सिमम अगर तुम पर्थ सिटी में करोगे यहाँ पे ऑर्डर्स बहुत सारे आएंगे तुम्हें। वो वाइट बोर्ड दिख रहा है आगे, बैम बैम बू, वो है हमारा पिकअप। तो यहाँ साइकिल रोकी जाए और पिकअप उठाया जाए। नाम देख लो कस्टमर का पहले। सुबह तुम्हारे ऊबर ऐप पे जब तुम यहाँ क्लिक करोगे प्रॉपर कस्टमर का नाम आएगा एक, ठीक है, यू हैव अराइव्ड, क्योंकि भाई हम पहुँच चुके हैं। यहाँ कस्टमर का नाम आएगा, यहाँ तुम्हारा पिकअप कैसा था वो बता देना, और ये उसके ऑर्डर में है क्या, ठीक है। तो आप खाना उठाते हैं। हाय, अगर आप पिकअप फॉर जॉन, तो भाई कुछ नहीं करना, सीधा रिसेप्शन पर जाना है, अपना नाम बता देना है बंदे का, नाम नहीं तो ये ऑर्डर नंबर, इन दोनों में से जो भी रेस्टोरेंट एक्सेप्ट कर लोगा वो बता दो और पैकेट ले लो। थैंक यू, सही है। अभी ट्रिप स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ये जो खाना उठाया इसको बैग में डाला जाए। बैग भी देख सकते हो काफ़ी लंबा चौड़ा सा है। एट अ टाइम तुम इसमें 4 ऐसे खाने के ऑर्डर ठूस सकते हो, क्योंकि मतलब सही है काफ़ी जगह यार। अब ट्रिप स्टार्ट की जाए ज़रा। सो बस इस पर क्लिक करना है, टिक आ जाएगा और बस ये होगी तुम्हारी डिलीवरी स्टार्ट। अब ये तुम्हारी लोकेशन है और ये ड्रॉप ऑफ की लोकेशन है। नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन ठीक कर लो अपनी, फ्लैट लग जाएगा। यहाँ से 3.1 किलोमीटर दूर है, बट ये बाय रोड का वे दिखा रहा तुम्हें, तो अगर तुम साइकिल से देखो और शॉर्टकट्स अगर तुम्हें पता हो तो तुम एटलीस्ट 500 मीटर बजा सकते हो अपने आराम से। तो ये 2.5 या 9 मिनट दिखा रहा है, बट वो कार का टाइम है, तो हमें आई गेस 10 टू 15 मिनट्स लगने चाहिए इस डिलीवरी को देने में। सो भाई बस निकलते हैं। कल भाई हमारा क्रिकेट मैच भी था एज इन संडे को, बट हुआ क्या भाई, कल पूरे दिन ये बारिश दबा के, तो नेचुरली मैच हो गया वॉश आउट, और वो मैच होगा संडे को, अब नेक्स्ट संडे। एंड गाइस यूट्यूब पे बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि भाई क्रिकेट का क्या स्कोप है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बन सकते हैं नहीं बन सकते, एंड स्पोर्ट्स के बेस पे पीआर मिलता है या नहीं मिलता। तो भाई तीनों का आंसर मैं आपको देता हूँ। क्रिकेट की फैसिलिटीज़ बहुत है यहाँ पे, हर सबब में तुम्हें एक ग्राउंड मिल जाएगा प्रॉपर पिच के साथ और प्रॉपर नेट्स के साथ, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व। दूसरा, तुम प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते हो भाई, बिल्कुल बन सकते हो, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारा टैलेंट कितना है, तुम कैसा क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, कितना तुम्हारे को यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि खेलते हैं तो भाई यहाँ पे भी बहुत लोग हैं, बट प्रोफेशनल लीग्स में जाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कि भाई मैं कहता हूँ तुम खेलो भाई, जितना खेल सकते हो खेलो, जितने मर्जी तुम बेटर खेलते हो, क्योंकि तुम यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न तो हो नहीं, तो सिटीज़नशिप जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स ये बहुत टफ चीज़ है। और जितनी मैंने रिसर्च की है मुझे कोई एज सच वैलिड एग्जांपल नहीं मिले जो मैं तुम्हें बता सकूं कि भाई स्पोर्ट्स के बेसिस पे पीआर है या नहीं। तो भाई 5-6 लोग थे, काफ़ी बार कमेंट कर चुके थे, सो आई होप तुम्हें अपना आंसर मिल गया भाई। बट ये है कि भाई जितना खेल सकते हो खेलो, क्योंकि मैं भी खेलता हूँ, और भाई यहाँ पे खेलने में जो मज़ा है वो इंडिया में नहीं मिल सकता तुम्हें। प्रॉपर क्रिकेट बॉल से प्रॉपर ग्राउंड मेंटेन्ड होते हैं, पिच मेंटेन्ड होती है, प्रॉपर प्रोफेशनल लीग्स होती हैं, हम भी जिसमें खेलते हैं। हो सका तो यार मैं ब्लॉग बहुत जल्दी बनाऊँगा,
इट्स अ वेरी गुड लीग, मतलब बहुत बड़ी तो नहीं है, बट हमारी टीम का नाम है वेस्ट कोस्ट वॉरियर्स, गूगल पर सर्च कर लेना। इट्स अ मिनी लीग, बर्थ पर्थ में होती है एंड उसके कैश प्राइजेस भी होते हैं इफ़ यू क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड, या आपके जो पर्सनल स्टैट्स पर सब पे कुछ ना कुछ मार्जिन होता है। सो भाई अगर तुम पर्थ आओ और क्रिकेट खेलना हो तो भाई हमें ज़रूर बताना, क्योंकि वी आर असेंबलिंग अ टीम ऑफ आर ओन एंड हो सका तो फ्यूचर में। हाँ भाई तू निकल जा पहले, एंड हो सका तो फ्यूचर में अपनी खुद की पर्सनल टीम बनाएंगे। एंड भाई जिसको इंटरेस्ट हो ज़रूर मैसेज करना, तुम्हारा ऑडिशन वगैरह लेके टीम में एंट्री करवा देंगे। तो अगर तुम्हारी 3-3.5 किलोमीटर की ट्रिप है और तुम्हें अगर $10 या $12 मिल रहे हैं तो भाई बहुत सही है, 10 मिनट में तुम ट्रिप ख़त्म कर सकते हो। एंड एज अ सेट कि देखो मैं और मेरा फ्रेंड यूजुअली हम ऊबर ईट्स करते हैं शाम को, ठीक है, वो भी अगर तुम फ्राइडे सैटरडे संडे सिर्फ 3-3 घंटे कर लो, विच इज़ लाइक 9 आवर्स फॉर द वीक, आप आराम से $300 से ऊपर कर सकते हो, क्योंकि $100 इज़ वेरी ईजी ऑन अ फ्राइडे नाइट। मतलब मैं कितनी बार करके आया हूँ फ्राइडे को सिर्फ 6 से 8:30 या 6 से 8, और अपने अमाउंट बन जाता है कुछ $120, $125, और आप इंस्टेंटली उसको कैश आउट भी कर सकते हो, जब चाहे विड्रॉ कर सकते हो अपने ऊबर अकाउंट से और सीधा पैसा आ जाएंगे तुम्हारे मेन अकाउंट में, जहाँ भी खोल रखा होगा, कॉमनवेल्थ का, बैंक वेस्ट का, कहीं पे भी। तो भाई जिनको फुल डे करना है कर सकते हो, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, बट अगर हाँ तुम कोई और पार्ट टाइम जॉब साइड बाय साइड कर रहे हो तो भाई फुल टाइम मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि भाई पहली बात तो टैक्सिंग होता है बहुत, दिन भर साइकिल चलाना, ठीक है 3-4 दिन चलाओगे तुम, उसके बाद तुम अपने नॉर्मल काम पे भी जाओगे, आई डोंट थिंक इतनी एनर्जी बचती है, प्लस मुझे इतना सही नहीं लगता, क्योंकि अगर बंदा पूरे दिन काम करके अगर $100 या $120 छाप रहा है, क्योंकि हो जाता है आसानी से, तो अगर आप मंडे टू थर्सडे काम करके $100 per day छाप भी रहे हो, मुझे क्या लगता है उससे बेटर क्या है, फ्राइडे सैटरडे संडे चले जाओ, सिर्फ 3 घंटे में आप 100 या 120 कर लोगे आराम से। पानी पी लिया जाए, थोड़ा प्यास लग रही है भाई। भाई कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि यार हेलमेट पहनना मैंडेटरी होता है कि नहीं होता, तो भाई हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है। हम वीडियोस में कभी कभी नहीं पहनते क्योंकि भाई अपने को मन नहीं करता, बट भाई अगर किसी दिन पकड़े गए तो भाई लंबा चलान हो जाएगा। एंड अगर तुम फुटपाथ पे हो तो हेलमेट एक तरह का यू नो रिलैक्सेशन दे देंगे पुलिस वाले, बट अगर तुम मेन रोड पे हो हेलमेट नहीं पहना और पकड़े गए तो भाई $200 का पत्ता निकाल के रखना। नहीं यहाँ से सीधे जाना, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, तुम्हें वीडियो में मुझे पता ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, बट द वेदर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अभी डाउन हिल जा रहे हैं हम तो भाई पैडल की नीड नहीं है यहाँ पे। यहाँ से होना अपने को राइट, भाई को निकलने दे पहले। यहाँ पे ना गिव वे वाला रूल बहुत चलता है कि जो मोमेंटम में बंदा आ रहा होगा उसका राइट पहले बनता है निकलने का, ठीक है, ये बात भी याद रखना थोड़ा साइकिल चलाते हुए। बैग उतार लेते हैं क्योंकि खाना देना भाई को। सबर्ब्स का अपना अलग चार्म है यार, वैसे वो देख सकते हो सिटी वहाँ सामने है, लाइफ इज़ बेटर इन सिटी कन्वीनियंस वाइज, बट अगर तुम यार ड्यूटी लेना चाहते हो पर्थ की तो सबर्ब इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी। जॉन क्या Is the food? Thank you. Have a good day. तो भाई इसी के साथ एक डिलीवरी पूरी हुई, ठीक है, अब देखते हैं अब हाँ ट्रिप को ख़त्म कैसे करना है। ये रही ट्रिप तुम्हारी, यहाँ पे एक फ़ोटो खींचनी पड़ेगी तुम्हें, पहले तो थम्स अप दे दो भाई, कस्टमर भी तुम्हें थम्स अप देगा, एक फ़ोटो लेनी है अब, क्योंकि कोविड में भाई ये दिक्कत ये थी कि लोग बोल रहे थे घर के बाहर छोड़ दो खाना, तो फ़ोटो लेनी है इस जगह की, ठीक है, डन कर दिया, वेरीफाई होगी पहले ऊबर से, ठीक है, फिर यहाँ पे फ़ोटो ऐड होगी वेयर डिड यू लीव द ऑर्डर, तो उसमें डाल देना है कि हैंडेड टू द कस्टमर, मतलब जहाँ भी हो, अगर मान लो कभी रिसेप्शन पर ड्रॉप कर रहे हो तो लिख दो हैंडेड ओवर टू द रिसेप्शन, डोर पर छोड़ रहे हो तो लिख दो लेफ्ट एट डोर, तो बस इसको डन किया डिलीवर्ड।
वापस आ गया, यू आर ऑनलाइन, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये प्रॉम्प्ट आ गया, लास्ट डिलीवरी ट्रिप 12.81, ठीक है। तो तकरीबन 15 मिनट में अपने $12 बन चुके हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारी एक ट्रिप कंप्लीट हो गई है और एक ट्रिप के अपने मिले हैं $12.81, ठीक है। तो अभी हम सिटी से थोड़ा दूर आ चुके हैं, 3 किलोमीटर इज नॉट मच, बट लोग ये भी पूछते हैं कि यार एक बार हमने सिटी से ट्रिप की, ठीक है, उसका ड्रॉप ऑफ हुआ सिटी के बाहर, तो हम सिटी के बाहर ही ट्रिप ढूंढे या वापस जाएं सिटी में? तो भाई मैं बोलूँगा कि भाई वापस जाओ सिटी में ट्रिप ढूंढने के लिए, क्योंकि तुम्हें सबब या फिर बाहर ना ट्रिप मिल तो जाएगी बट पैसे मिलेंगे कम। तो इट्स बेटर कि तुम 5-10 मिनट फालतू लगा के सिटी चले जाओ, सिटी में ज़्यादा ट्रिप मिल जाएंगी, जल्दी जल्दी भी आएंगी और पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो अब मैं घंटे का हिसाब लगाऊँ तो देखो अभी 12 मिल गए हैं, अगर इस घंटे मतलब 45 मिनट्स बचे 6 बजने में, अगर इसमें हमारी 3 या 4 ट्रिप्स और हो जाती हैं तो हमारे इजीली 30-35 हो सकते हैं इस घंटे के। और आज तो मंडे है, तो इसी बात के लिए मैं कह रहा था, अगर तुम फ्राइडे सैटरडे या संडे करते हो काम सिर्फ 3 घंटे के लिए, आप आराम से $100 छाप सकते हो उन दिनों में। तो अभी चलते हैं वापस सिटी की साइड और बातचीत करते हैं और 1-2 ट्रिप्स और करते हैं और फिर कैमरा कर देंगे बंद थोड़ी देर के लिए, फिर घर जाके मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक्चुअली मैं आज पैसे कितने बने। और भाई साइकिल वाइकल ना बहुत चोरी हो जाती है, तो अगर तुम रात में ओवर ईट्स कर रहे हो तो भाई ये लॉक बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे भी हो खंभे पे बांध दो अपनी साइकिल, क्योंकि साइकिल चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। Hi, a pickup for Sean Patrick, yeah? Thank you. See ya. तो इसी के साथ दूसरा ऑर्डर पिक हो गया है, डाल लें इसको अपने बस्ते में। तो इसने रूट दिखाया, दैट इज थ्रू दिस रोड, लेफ्ट में जाके सीधा है, क्योंकि मेन रोड से मैं प्रेफर करता हूँ कि तुम ना साइड एलीज में चलो, उसमें क्या ट्रैफिक कम मिलेगा, ट्रिप्स जल्दी होंगी। और यहाँ पे बहुत जगह तुमने देखा होगा, मतलब देखा तो नहीं होगा बट पार्क्स के बीच में से ना सड़कें निकाल रखी होती हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली शॉर्टकट्स होते हैं, इट्स बेटर टू यूज़ देम। सड़क यूज़ करोगे तो भाई गाड़ियों का दिक्कत, रेड लाइट पर बार बार रुको वो वाली दिक्कत। अभी जहाँ से मैं जाऊँगा आई थिंक हमें सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा, और जो रूट ये ऊबर भाई साहब का ऐप दिखा रहा था उसमें कम से कम तो 6 सिग्नल मिलते हैं। तो भाई यही है, जैसे जैसे ऊबर करते रहोगे या ड्राइविंग करते रहोगे तुम्हें शॉर्टकट्स का आइडिया लगता रहेगा, और भाई शॉर्टकट्स इज़ द की टू सक्सेस, क्योंकि ऊबर में तुम्हें पैसे कैसे मिलेंगे ट्रिप करने के, और जितनी जल्दी ट्रिप तुम कर सकोगे और जितनी ज़्यादा ट्रिप कर सकोगे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में, उतना तुम्हारा ही फ़ायदा है भाई। सो इट्स बेटर कि यूज़ द शॉर्टकट्स। ये पीली गाड़ी है शायद, ये वाला है, हाँ यही है, लेटर बॉक्स का नंबर लिखा हुआ है। दरवाज़ा किधर है भाई इसका? आई थिंक इट्स टूवर्ड्स द रियर। शैल आई लीव इट एट द डोर? फाइन, हैव अ गुड डे। तो भाई बंदे ने बोला है बाहर छोड़ने को, बहसबाजी नहीं बाहर छोड़ देंगे, इसकी बस एक फ़ोटो ले लेनी है अब, क्योंकि भाई एज अ प्रूफ चाहिए होता ना कि हमने दरवाजे पे छोड़ दिया है। टेक फोटो, फोटो क्लिक हो गई, डन हो गया, वेरीफाई होगी फ़ोटो। और ये देख रहे हो 12.81 हमारे प्रीवियस ट्रिप के थे, इस ट्रिप के जितने बने अभी बताता हूँ, 2-3 मिनट में रिलोड हो जाएगा, तब तक पानी पी ले जा थोड़ा। एक और ट्रिप आ गई है फिनिश होते ही, तो इसको और इसमें मिल रहे हैं 2.5 किलोमीटर के 6.70, तो कर लेते हैं उसको भी एक्सेप्ट। तो देखो भाई अभी 2 ट्रिप हो गए हैं, 21, 12 पहली वाली के मिले और शायद 9 मिले हैं इस वाली के, हाँ 9 समथिंग मिले हैं, तो 21.17 हो गया, $7 की एक और ट्रिप आ गई है, तो अभी वहाँ चला जाए। तो भाई ये आ चुका अपना रेस्टोरेंट यूटोपिया, कैफे लग रहा है, रेस्टोरेंट का तो पता नहीं कैफे सा लग रहा है, कोई नहीं खाना देखते हैं क्या है भाई। अभी दिन का टाइम है तो कोई नहीं, साइकिल इज सेफ। Hi, pick up for Amy. Yeah. Just this one? Thank you. तो भाई पैकेट से तो लग रहा है कि आइस टी है या फिर बबल टी है, कोई नहीं ट्रिप को स्टार्ट करते हैं।
यही है, ये लिखे 39 के जितने ब्लॉक्स हैं और हमें छोड़ना 39 बी पे। ये रहा, अब उसमें लिखा था लीव एट डोर, तो फालतू में बेल बजा के दिक्कत नहीं देंगे, डोर भी छोड़ देंगे बस। ऐसे फोटो लेंगे कि 39 बी भी आ जाता कि बाद में ब्लेम गेम ना हो अपने पे। तो तुम देख ही सकते हो इतना कोई टफ काम नहीं है भाई, साइकिल चलाओ, मज़े करो, मौसम के मज़े लूटो, गाने वाने सुनो और ट्रिप्स करो। ये लो एक और ट्रिप हो गई, तो तुम देख रहे हो अभी मंडे है जबकि ट्रिप ख़त्म किया मैंने और एक और ट्रिप पहले से रेडी है। तो बहुत पास की ट्रिप है, बिल्कुल करेंगे, माना पैसे का मिल रहा है बट कोई बात नहीं, पास की ट्रिप है। तो भाई एक और क्वेश्चन जो काफ़ी लड़कियाँ पूछती हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि लड़कियों के लिए कितना सेफ़ है ऊबर ईट्स। तो देखो भाई, पर्थ अगर आप सिटी में कर रहे हो तो भाई लड़के हो या लड़की हो कोई मैटर नहीं करता, सेफ्टी बहुत सही है सिटी की, अनलेस अगर आप रात को ऊबर करने निकल जाओ। देखो 12-1 बजे के बाद ना यहाँ पे हिपीज़ और जंकीज़ बहुत मिलते हैं एंड वो पी पा के पड़ रहते हैं, ड्रग्स ड्रुग्स करके पड़ रहते हैं, तो उनसे मत्था मारना इज़ लाइक मौत को इन्विटेशन देने के बराबर है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर लड़की को सुबह दोपहर में शाम को इवनिंग में कोई दिक्कत नहीं है भाई, इट इज़ वेरी सेफ। सबर्ब्स में मेरे को इतना आइडिया नहीं है बट हाँ, सबर्ब्स में भी आई वोंट रेकमेंड कि लड़की ऊबर ईट्स करे आफ्टर 10, क्योंकि देखो सबर्ब्स बहुत लोनली होते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, सो आई वोंट टेक द रिस्क। बट अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, पर्थ बहुत सेफ सिटी है, पुलिस पेट्रोलिंग पे होती है, रेंजर्स खुद साइकिल पे घूम रहे होते हैं एंड मेरे को नहीं लगता कि यार अगर आप लड़की एज ऊबर ईट्स करती हो तो यार कोई दिक्कत आएगी, इट इज़ वेरी सेफ। तो यहीं से पिकअप है अपना, ये देख लो बोर्ड लगा हुआ सामने ही, सावानीज प्लेस बेस्ट थाई इन पर्थ, सो आई वुड रिकमेंड कि भाई अगर आओ और थाई खाना पसंद है सो डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। पेड़ के रंग देख रहे हो, पर्पल कलर के पत्ते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल, थैंक यू। सो बेस्ट थाई रेस्टोरेंट से खाना पिक करते हुए नैटली के लिए, उसके बाद जरा चूल्हे से बांधने खुल गए। ट्रिप स्टार्ट कर दी जाए ज़रा। नैटली एंड सी, वेयर डू यू लिव गर्ल? अरे तो पास में ही है, 2 मिनट दूर है, 700 मीटर की वो है और पूरा डाउन हिल है, सो आई डोंट थिंक इतनी कोई दिक्कत होने वाली है। बच गए भाई, दैट वॉज क्लोज नाइट। Hi for Natalie. Yes. Yeah. Yes. All good so far. How's the day been? Yeah, good. You good? Yeah. Here you go. Thank you so much. Yeah. Have a great day. See ya. Good customer. Polite थी काफी, बढ़िया से बात की। ऐसे customer मिलने चाहिए हमेशा। So guys, GoPro की battery हो गई है dead. ठीक है, तो अभी अंदाज़ा बताऊँ तो देखो 4 trips हमने की और चारों के चारों इसी road पे किए हमने mostly. तो इन 4 trips के कितने हो गए? $35 हो गए हैं और आज मंडे है, मंडे की शाम भी अभी ढंग से नहीं हुई है, इट्स नॉट द प्राइम टाइम राइट नाउ और सिटी में भी नहीं है। तो अगर आप वीकेंड्स पे करते हो तो आप $40 से $45 कर सकते हो एक घंटे में। अभी हमने मंडे को किया है, सिटी के बाहर किया तो 35 हो गए एक घंटे में। अभी सिटी जाएंगे, एक बार चार्जर उठाता हूँ मैं इसका और फिर अगर मूड किया तो निकलेंगे और आगे, वरना आज के लिए इतने छोड़ देंगे। सो अभी कुछ शोर नहीं है, एक बार चलते हैं आगे फिर देखते हैं। एंड बाकी मोटा मोटा अंदाज़ा तो मैं लग गया होगा अर्निंग का, बाकी अगर मैं जाऊंगा तो अभी दोबारा फिर दिखा दूंगा। सो लेट्स जस्ट गो एंड होप फॉर द बेस्ट। सो भाई घर आ गया मैं अभी, इट इज़ ऑलरेडी 7, हाँ 7 बजने वाले ऑलमोस्ट एंड आज मंडे है तो ज़्यादा काम होगा नहीं एज आई हैव स्टेटेड इन माय करंट वीडियो। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि भाई GoPro मैंने बताया कि GoPro डेड हो गया था तो ये भाई अभी यहाँ पर चार्ज हो रहा है, तो इसको फुल चार्ज करने में टाइम लगेगा, प्लस स्पेयर बैटरी से भी अपने पास है नहीं, सो आर बैड लक। सो गाइस, बट टेंशन मत लो, पूरा व्यू देखो अच्छे से, ठीक है? तो कल परसों या तरसों जब भी टाइम मिलेगा वापस से शाम को निकलेंगे, दिन में निकलेंगे और डिटेल में बताएंगे इस वीडियो को, ठीक है? आप तो ऊबर ईट्स पे हम रेगुलर अपना वो कर भी सकते हैं। सो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया ऊबर ईट्स किस किस टाइम करना चाहिए, कितना पैसे कमा सकते हो एक घंटे में, कैन गर्ल्स डू इट और नॉट, गर्ल्स की सेफ्टी है नहीं है, कितना कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट तो बहुत है, तुमने देख लिया होगा, एंड क्या क्या तुम्हें ऊबर ईट्स का टाइम कैरी करना चाहिए, ऑल दैट स्टफ। इस वीडियो में कुछ भी तुम्हें कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, अपने को आइडिया लग जाएगा कि व्हाट कैन बी इम्प्रूव, और ऐसी वीडियो चाहिए हो तो बता देना
क्योंकि यार ऊबर ईट्स पर हम सुबह अलग से बना सकते हैं, दोपहर में अलग से बना सकते हैं, शाम को अलग से बना सकते हैं, रात में भी बना सकते हैं। सो कुछ भी तुम्हें एक्स्ट्रा चाहिए हो जस्ट लेट अस नो, ठीक है? और बस मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड होप यू गाइस लाइक दिस। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।